जो कल हमने किया था स्टार्ट, कल इधर से था, तीसरे का पहला पार्ट कर लिया था, फोर्थ पार्ट करने का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमारे पास कहते हैं, अगर एक अल्फा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर अल्फा। तो ये दो हमारे पास उसके रूट्स होंगे, तो जब इनका हम सम निकाल लेंगे, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा, तो ये तो हमारे पास निकलेगा अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 1 ओवर अल्फा। ठीक है आप, अब इसमें देखें हमारे पास जब एलसीएम लेने के बाद सर ये स्कीम बनती है, और जब हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट में हमारे पास 1 ओवर 1 अल्फा, अल्फा अल्फा से कैंसिल, और दूसरी तरफ हमने देखना है हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास आंसर उसका आ रहा था क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। वो उसने लिख दिया, क्यू इज क्यू इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सब क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बल्कि कर लिया था हमने, ये लास्ट पे था हमारा। हाँ, आज पे थोड़ा सा सर कंप्यूटर लास्ट पे स्टार्ट हो गया सर आपका, कंप्यूटर क्या हुआ, स्टार्ट हो गया आपका। कंप्यूटर स्टार्ट हो गया मतलब नहीं सर, आवाजें आ रही ना पीछे। जब हम लाहौर में रहते थे ना, इस तरह से ऊपर जहाज गुजरता था तो इस तरह की आवाज आती थी। ओ इधर मैं इस टाइम बैठा हूँ शोरकोट में ना, तो जहाज वाकई गुजर रहे हैं पीछे से। देखा सर, सर यहाँ पे तो मुझे लगता मुझे गुजरी मुझे जा रही लगता पांच पांच मिनट बाद। नहीं, वो जहाज जहाज, हाँ बिल्कुल जहाज ही सर। उड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, आप घर काम ही रहते हैं सर, शोरकोट क्या कर रहे हैं? शॉर्टकट में क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, मैं इधर आया था बेस में ना। टिटो पार्टियां लगाने गए हुए वैसे, क्या बेस पे बैठे हुए? नहीं मैं वैसे पूछ रहा था, नहीं बेस के पास ही है घर, तो वो F-16 या दूसरे जहाज ना, हाँ ये उसकी है, उड़ते रहते हैं, तो अभी मतलब 5-10 मिनट बाद मतलब वो आवाज आनी शुरू हो जाती है। सर ये ऐसा ही है। और चल सही की बात बताऊं, पाकिस्तान एयरलाइन के जो जहाज है ना, जितनी भी एयरलाइंस हैं, सबसे ज्यादा उनकी गंदी और सबसे ज्यादा उनकी आवाज होती है। ओहो, एयरलाइन छोड़ो, करते हैं ये जो है ना, जंगी मतलब जहाजों के बड़े हैं, जंगी जहाज ही मतलब ये यहाँ से गुजर रहे हैं ना, इधर से फाइटर फाइटर जेट, इधर फाइटर जेट की है, इधर उनकी है ना रफीकी बेस। जी जी रफीकी बेस पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर है ना, तो यार फिर जहाज आ गया एक और नहीं उड़ते ये गुजर जाते तो फिर इनकी आवाज आती है। हाँ अच्छा भाई, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, हमने देखा था इसका, इधर से हमारे पास बन गया था ये वाला पोर्शन क्यू ओवर पी, और अल्फा बी सॉरी ये वाला माइनस क्यू ओवर पी, तो अल्फा बीटा हमारे पास बन गया था क्यू ओवर पी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया था, फर्स्ट को सेकंड पे इस पे डिवाइड करना था, लेकिन इसमें हमने देखा था कि अंडर रूट आ रहा है, हमने इनका अंडर रूट ले लिया, बोथ साइड बोथ साइड अंडर रूट लेने के बाद इसको हमने कह दिया ये नंबर 2 है हमारे पास और ये नंबर 1 है, नंबर 1 को नंबर 2 पे हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद इनका एलसीएम अलग अलग किया, जब एलसीएम अलग अलग किया तो ये देखो, आपको लास्ट टाइम काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ऊपर हमारे पास अगर अल्फा हो, नीचे हमारे पास हो अल्फा की पावर 1/2, ऊपर पावर फुल है, नीचे पावर हाफ है, तो नीचे वाली पावर हाफ कैंसिल कर देगी ऊपर वाली फुल पावर को, तो हमारे पास इसकी पावर रह जाएगी ओनली हाफ, ऊपर हमारे पास हाफ पावर रह जाएगी इसकी, तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट अल्फा अकेला रह जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया जी, आइए बात। यस सर, ये कल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो सही हो गया, चलो कोई नहीं ऐसा होता। तो ये हमारे पास आ गया
यहाँ से बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट अल्फा, नीचे अंडर रूट बीटा रह गया, इधर रह जाएगा अंडर रूट बीटा, नीचे अंडर रूट अल्फा रह जाएगा। अब ये देखिए इस पूरे की पावर है हमारे पास है वन, इस पूरे फंक्शन की हमारे पास पावर आ रही है वन, तो नीचे पावर है वन बाई टू, नीचे वाली आधी पावर कैंसिल होकर ऊपर आधी पावर रह जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन यहाँ तक हो गया। यहाँ से आगे मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट जो इसका ना ये देखिए वो हमारे पास बन गया अल्फा अंडर रूट और बीटा अंडर रूट, बीटा अंडर रूट और अल्फा अंडर रूट, वो सारे का सारा ऊपर जो पावर हाफ कैंसिल होगी, हाफ रहेगी माइनस, ये सारी की सारी पावर इधर माइनस, इधर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ना, ये दोबारा समझा दे, नहीं समझ रहे। चले मैं दोबारा करवा देता हूँ, ये देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रूट ऑफ पी ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, और अल्फा और बीटा इधर लिखना था ना, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं हमारे पास, जब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो इनका सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास क्या निकलेगा अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इनका सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए होता है, बी की जगह क्यू आर है और ए की जगह पी आर है, माइनस क्यू ओवर पी आर है, अल्फा बीटा की जगह हमारे पास क्या आ गया इधर सी ओवर ए होता है, सी की जगह क्यू है और क्यू ओवर पी आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कामरान कौन है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, आगे क्लियर हो, एक मिनट एक मिनट, ये इनका हमने क्या किया नीचे वाले जो था हमारे पास प्रोडक्ट उसका हमने बोथ साइड ले लिया अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास जो हमने आंसर शो करना है ना उसमें अंडर रूट आ रहे हैं, अंडर रूट लेने के बाद हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया और इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 3 पे डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड करने जब डिवाइड किया ये देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड करने के बाद हमने एलसीएम अलग अलग कर दिया, जब एलसीएम अलग अलग हो गया तो ये कंडीशन बन गई। अब अंडर रूट की हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अंडर रूट अगर अल्फा बीटा आता है तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा, अगले स्टेप में इसने ये करना है, फिर अंडर रूट अल्फा नीचे आ रहा है और ऊपर हमारे पास ये आ रहा है अल्फा आ रहा है, नीचे पावर आधी है ऊपर पावर पूरी है, तो ऊपर पावर कितनी रह जाएगी हाफ पावर रह जाएगी हमारे पास, वन ओवर टू रह जाएगी, इसकी पावर वन थी तो वो वन कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या रहेगी वन बाई टू, ठीक हो गया। इधर से जब हमारे पास ऊपर रह जाएगा अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा, अंडर रूट बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा, तो इधर से भी यही नीचे पावर हाफ है ऊपर पावर कितनी है फुल है, ऊपर पावर कितनी रह जाएगी हाफ रह जाएगी हमारे पास, तो आगे ये माइनस वाला पोर्शन सारा उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यस सर, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ओके ये क्वेश्चन वैसे हमने पहले भी किए, चलो दोबारा फिर कर लेते हैं, पहले हमने वो क्वेश्चन में किए थे दूसरे क्वेश्चन में, तो अब ये हमारे पास और तरीके से आ गए। अल्फा बीटा कहता है हमारे पास है रूट इस क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास क्वेश्चन और थी जिसमें हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू कोई ना कोई आ रही थी, इसमें जनरल फॉर्म है अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है कि माइनस बी ओवर ए जो जनरल क्वेश्चन होती है उसका हमारे पास यही फार्मूला बनता है ना, माइनस बी ओवर ए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट उसका बनता है सी ओवर ए। अब ये चीज़ आ गई, अब कहता है ये इनका सम और इनका रूट मालूम करें, इनका सम और प्रोडक्ट सॉरी सम और प्रोडक्ट हमारे पास मालूम करना है, जब हम इनका सम करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस ये दो रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें पता है हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है या अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू तो है नहीं, इसके लिए आपको कल बताया था कि प्लस टू ए बी हमने अपनी तरफ से ऐड भी कर लिया और माइनस भी कर लिया, इतना फार्मूला यहाँ से लेके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, ये क्या बन गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर और साथ माइनस टू अल्फा बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस बी ओवर ए, वो पुट की उसमें अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी सी ओवर ए, दोनों का एलसीएम क्या बन गया ए स्क्वायर, तब ए स्क्वायर इसका एलसीएम बन गया, एलसीएम बनने के बाद ए स्क्वायर एलसीएम आ गया हमारे पास, तो
बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू ए सी। अब ये इसका था सम। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका बन जाएगा प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा बीटा का स्क्वायर हमारे पास सी ओवर ए का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा हमारे पास क्या था सी ओवर ए, तो वो बन गया सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो कल आपको क्वेश्चन एक बताई थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस। आपको कल ये बताया था कि हम ये बना रहे थे कि क्वेश्चन निकाल के उसका सम और प्रोडक्ट निकाल रहे थे। अब हमारे पास रूट दिया हुआ है उसने और कहता है क्वेश्चन की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करो, इक्वेशन बनाओ कि इन रूट्स की इक्वेशन कौन सी बनती है। तो वो उन रूट का हमने सबसे पहले सम निकाला, फिर हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट निकालने के बाद ये देखें सम की जगह हम सम पुट कर देंगे, प्रोडक्ट की जगह हम प्रोडक्ट पुट कर देंगे। सम की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये सम की वैल्यू हमने पुट कर दी और ये हमने प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी। अब ए स्क्वायर सबके नीचे आ रहा है तो ए स्क्वायर से हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये सारे का सारा पोर्शन एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे वो हमने कल 542 वाला किया था अपनी तरफ से लेके सम और प्रोडक्ट उनका बनाया था। जी आफा साहब नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन इसका सर पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट या चौथा पार्ट सर? पांचवा और छठा इसने तो दिया ही नहीं इसका पांचवा छठा। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भला? सेवन था ना? सेवन वन मुझे वैसे बता दो क्या था। वन ओवर अल्फा क्यूब और वन ओवर बीटा क्यूब। इधर कर लेते हैं वन ओवर अल्फा का क्यूब और वन ओवर बीटा का क्यूब। तो इसका मतलब इनका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सम निकालेंगे बीटा का क्यूब। ठीक हो गया, तो इनका सम हमारे पास जब हम निकालेंगे सम और प्रोडक्ट निकाल के हमने पुट करना है ना उसमें, सम और प्रोडक्ट निकाल के हम पुट कर देंगे उसमें। तो इसका सम हमारे पास कैसे आएगा, नीचे ये एज इट इज दोनों आ जाएगा अल्फा और बीटा दोनों का हमारे पास क्या बन जाएगा होल का क्या बन जाएगा क्यूब। ये होल का क्यूब बन जाएगा हमारे पास। तो इधर बन जाएगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, मतलब बीटा क्यूब ये बीटा क्यूब बन गया हमारे पास प्लस ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा का क्यूब। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है सी ओवर ए, लेकिन ऊपर हमारे पास आ रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं है। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए आपको पता है कि फार्मूला हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना उसमें फार्मूला इसने यूज़ किया हुआ है। ये देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड किया उसने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब इधर देखें अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। अब पीछे रह गई हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनकी वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं थी। तो इसका अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है तो उसमें हमने क्या किया था टू अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया था, टू अल्फा बीटा माइनस भी कर दिया था। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर और ये हमारे पास बन गया इधर से माइनस थ्री अल्फा बीटा। तो इनमें सब में वैल्यू पुट कर दे, ये वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस बी ओवर ए, ये माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर और ये थ्री इंटू ए बी अल्फा बीटा सॉरी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास थी सी ओवर ए। तो ये सारी की सारी जो इसका जवाब आएगा ना ये वाला लेट्स सपोज ये जवाब आ रहा है ये जितना भी जवाब ये वाला ये जवाब सारे के सारा ऊपर आ जाएगा हमारे पास इसकी जगह। और नीचे हमने क्या पुट करना है फिर अल्फा बीटा
अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी ओवर ए, तो सी ओवर ए का क्यूब बनेगा हमारे पास। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए वन ओवर अल्फा और वन ओवर बीटा, वन ओवर अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब, तो ये बनेगा वन ओवर अल्फा बीटा का होल का क्यूब। तो वो हमारे पास क्या है, सी ओवर ए, तो वो ऊपर आके क्या बनेगा, ए ओवर सी। जब वो ऊपर हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थ्री, इसकी वैल्यू भी थ्री, तो वो इनकी जगह पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा उसका। और हाफ साहब इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है सर, इसका जो है अल्फा प्लस वन ओवर अल्फा, वन ओवर अल्फा बीटा प्लस वन ओवर बीटा, अल्फा प्लस वन ओवर अल्फा, वन ओवर अल्फा बीटा प्लस वन ओवर बीटा, बीटा प्लस वन ओवर बीटा। अच्छा इसमें देखें जो हमारे पास सिंपल है उसको लगा लिख लें, इसका अल्फा प्लस बीटा जो सिंपल आ रहे हैं मतलब ओवर की फॉर्म में नहीं है उनको ऐसे लिख लें, और जो ओवर वाली फॉर्म में उनको ऐसे लिख लें, उनका एलसीएम ले लें। उनका एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा। वो उसमें कौन कौन सी वैल्यू थी, ये दो ओवर वाली फॉर्म में थे और ये वाली हमारे पास थे सिंपल फॉर्म में, तो उनको हमने ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि इनकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है माइनस बी ओवर ए। तो अब इनको हमारे पास जो वैल्यू है दूसरी, वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, तो उनका हमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा। अब देखें हाफ साहब इसमें क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस बी ओवर ए प्लस इधर की क्या बन जाएगा, माइनस बी ओवर ए, और होल नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, सी ओवर ए। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर से हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, सम की, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे नेक्स्ट ना, मतलब ये ए ए से इधर से डेट कैंसिल हो गया, ए ए से कैंसिल हो गया, इधर से रह गया माइनस बी, माइनस बी ओवर ए, और साथ रह गया माइनस बी ओवर सी। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, इधर से सम की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। तो प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी आएगी वो देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हाफ साहब सबसे पहले जब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा बीटा, फिर अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा प्लस अल्फा ओवर बीटा, फिर जब वन ओवर अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा बीटा ओवर अल्फा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर अल्फा को वन ओवर बीटा के साथ वो बनेगा वन ओवर अल्फा बीटा प्लस वन ओवर अल्फा बीटा, इधर से वन ओवर अल्फा और ये साथ बीटा ऐसे बनेगा हमारे पास। तो अल्फा बीटा की समझ नहीं आ रही, मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। अल्फा प्लस वन ओवर अल्फा अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, बीटा प्लस वन ओवर बीटा, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा। अल्फा को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब अल्फा को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा के साथ, वन ओवर बीटा के साथ, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा ऊपर आ जाएगा बीटा हमारे पास ओवर में प्लस इस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है ये बन जाएगा बीटा ओवर अल्फा, और जब इसको लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास वन ओवर अल्फा बीटा। अब ये देखें अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे मालूम है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, ये दरमियान वाला जो पोर्शन आ गया हमारे पास, इनकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम ले लो,
पहले वाली वैल्यू आप एज इट इज रख लें और एंड वाली वैल्यू भी, मतलब इसकी जगह भी हम सी ओवर ए और इसकी जगह भी सी ओवर ए पुट कर सकते हैं, लेकिन ये दरमियान में जो वैल्यू आ रही है उसकी जगह नहीं पुट कर सकते। तो उसमें कैसे हम पुट करेंगे, उसकी जगह हमने क्या कर लेना है, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बनेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस ये ऊपर क्या बनेगा बीटा का स्क्वायर। अब फार्मूला फिर वही बनना है वो जो इनिशियल में सबसे पहला सवाल हमने किया आज इसका, तो ऊपर वाला फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है अल्फा प्लस, डायरेक्ट लिखने लगा फार्मूला वो वाला, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा प्लस इधर आ गया वन ओवर अल्फा बीटा और अल्फा बीटा शुरू में भी इधर मल्टीप्लाई प्लस हो रहे अल्फा बीटा। अब देखिए ये हमने सम की पहले वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब प्रोडक्ट की वैल्यू भी हम इसमें पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास है सी ओवर ए, इसकी वैल्यू भी सी ओवर ए, इसकी वैल्यू भी सी ओवर ए अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास सी ओवर ए और इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस बी ओवर ए, इनको पुट करेंगे, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे वो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू वही एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला सर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हमारे पास, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है ना 3 वाला। कहता है हमारे पास अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो इनका सम और प्रोडक्ट सबसे पहले निकालें, इनका सम कैसे निकलेगा माइनस बी ओवर ए, बी की जगह वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन ओवर ए की जगह फाइव आ रही है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा वन ओवर फाइव। अल्फा बीटा जब निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे सी ओवर ए होता है माइनस टू ओवर फाइव, माइनस टू ओवर फाइव ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू निकल आई, अब उसी तरह जैसे वो हमारे पास दिया था ना उसने अल्फा प्लस वन ओवर अल्फा और साथ बीटा प्लस वन ओवर बीटा वो रूट दिए हुए थे, अब उसने हमारे पास जो रूट दिए हुए हैं वो रूट हमारे पास है थ्री ओवर अल्फा और थ्री ओवर बीटा, तो जब इनका एलसीएम लेंगे जब इनका सम करेंगे तो सम में हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं हम। ये देखिए जब हम सम करेंगे तो सम में हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, आप थ्री कॉमन ले लें, थ्री दोनों में से कॉमन ले लें, अब इसने थ्री कॉमन नहीं लिया, अब वैसे ना भी कॉमन ले बाद में कॉमन ले लें, इधर कॉमन ले लें कोई मसला नहीं, अल्फा बीटा आ गया एलसीएम, बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया थ्री कॉमन ले लिया। अब देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, हमारे पास अभी जो हमने निकाली है वन ओवर फाइव वो पुट कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस टू ओवर फाइव, फाइव फाइव से इधर कैंसिल हो गया माइनस थ्री ओवर टू आंसर आ गया हमारे पास, ये आ गया सम का। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का हमारे पास थ्री ओवर अल्फा रूट तो यही है ना हमारे पास, थ्री ओवर अल्फा थ्री ओवर बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा नाइन ओवर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस टू ओवर फाइव, तो फाइव ऊपर जाके नाइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस फोर्टी फाइव ओवर टू, तो ये आ गया सम की वैल्यू भी आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वो जो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, एस की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, पी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम टू था टू के साथ हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जी आफ साहब नेक्स्ट आए हो? आप मेरा बेटा छुट्टी करो।
हाँ कसम से 4.7 नहीं है, 4.7 है ही नहीं। नहीं इस मेरी बुक में नहीं, मेरी बुक में नहीं। अच्छा, नहीं बढ़ल वो भी आसान है, वो भी आसान है सर। 8 क्वेश्चन है उसके टोटल। हाँ हाँ ये भी आज ही करनी है सर। नहीं 5 मिनट रहते हैं, तो ऐसा करते हैं हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।